शांति कांति किचन में आपका स्वागत है भानो। चलिए मैं आज एक नया रेसिपी झारखंड का जो प्रसिद्ध रेसिपी है वो बनाना सिखाऊंगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बिना देरी किए हुए जुस्का बनाने की रेसिपी आपको बता रहे हैं। इसका मेजरमेंट ये है, बड़ा इतना बड़ा कप कटोरी चाहे जिससे भी लीजिए इतना इससे लीजिए। फिर चना दाल है और फिर ये उड़द दाल है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इससे भी छोटा है, मतलब चावल सबसे ज्यादा, चना दाल उससे कम और सबसे कम है उड़द दाल। ये तीनों को डाल दीजिए एक साथ। अच्छा, और इसमें पानी डाल दीजिए। अच्छा, रात भर ही खुलेगा। अच्छा। और तब सवेरे पीजिएगा तो बहुत बढ़िया होगा इसका दूध का। ये झारखंड का मशहूर, हाँ ये झारखंड का मशहूर रेसिपी है। और नाश्ता में खाइए, खाना में भी खा सकती हैं। और ये देखिए मैं एक सीक्रेट आपको बताती हूँ, वो क्या है, ये मेथी दाना है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा डाल दीजिए तो फर्मेंट बहुत बढ़िया से हो जाएगा। अच्छा, तो अब हम लोग इसको रात भर फूलने के लिए रहेंगे, फूलने के लिए छोड़ दे रहे हैं और सवेरे पीसेंगे, फिर फर्मेंट होगा तो शाम में बनेगा। वाह, चलिए तो फिर कल मिलते हैं पीसने टाइम में। मैं जुटे के लिए चावल दाल सब डाल दी हूँ, 6 घंटा हो गया है, अब मैं इसको पीसने जा रही हूँ, फूल गया है। अब देखिए मैं इसको पीस देता हूँ। पीसने के समय इसमें 3 हरी मिर्चा और इतना अदरक भी डाल दूंगी और इसके साथ पिसा जाएगा, नमक वगैरह कुछ नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं इसको पीसती हूँ। एक तो कटोरी चावल था, हाँ। उसका आधा था दाल चना दाल और उसका भी आधा उड़द दाल और अब पीसते समय मिर्चा और अदरक उसमें डाल दिए, थोड़ा सा हल्का पानी दिए, थोड़ा मोटा पिसाएगा, थोड़ा मोटा पिसाएगा, पानीदार नहीं रहेगा, ज्यादा पानी अभी नहीं डलाएगा। एकदम पिसा गया बढ़िया, इसको निकाल लिया, अब इसको निकाल देती हूँ। बहुत बढ़िया, इतने गाढ़ा रहेगा, दिखाइए इतने गाढ़ा रहेगा, इसका दूध का बहुत बढ़िया बनेगा अभी, लेकिन ये और 4-5 घंटा रहेगा, इसमें खमीर उठेगा, थोड़ा गर्म जगह पे रख के उसके बाद इसको बनाएंगे। और
बनो मेरा हो गया है। अब मैं इसको रख रही हूँ और इसको 4 घंटा रख, अभी 6 बजने जा रहा है और इसको हम 9:30 बजे के आसपास बनाऊंगी, तब तक ही फूल जाएगा। अभी अभी इसमें नमक डाल देते हैं कि फूल जाएगा थोड़ा, और नमक डालने से और तभी अच्छा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ये थी करके इसको डाल देती हूँ, इतना ही ठीक कर दीजिए, ओके डाल दीजिए और देखिए ऐसा ही बेटर बनता है, मिला दीजिए ऐसा ही बेटर बनता है। और इसमें नमक डाल दीजिए, नमक डालने से तुरंत ही हो जाएगा। एक चम्मच नमक इसमें डाल दिए, बस इसमें खमीर उठ जाएगा। और इसको मिला दीजिए और ढक के रख दीजिए, गर्म स्थान पर रख दीजिए, फूलेगा फिर इसमें और भी फिर डलेगा कुछ कुछ, और कुछ मसाला डलेगा जो मैं उस समय बताएंगे, उस समय जब बनाते समय बताऊंगी कि क्या क्या डाल। अब मैं, मेरा मिक्सचर तैयार हो गया है जो पीसती हूँ, उसमें खमीर उठ गया है। अब इसमें कितने देर से आप इसको छोड़ के रखे थे? 6 बजे पीसे थे और अभी देखिए 10 बज रहा है। हाँ 10 बज रहा है। अब मैं इसको बनाने जा रही हूँ और इसमें मैं कुछ और डालूंगी, मिर्ची, हरी मिर्ची पतली काट के, मैं इसको पतली पतली एकदम। इधर आपने तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, गर्म होने के लिए तेल चढ़ा दिया है। ये रिफाइंड ऑयल है, मूंगफली का तेल। चलिए और इसमें देखिए हींग, ये क्या है, हींग जाता है। ओके हींग देख लीजिए। हाँ हाँ ठीक, हरी मिर्च गया और इसमें जीरा जाएगा, गोटा जीरा जाएगा। अच्छा, और इसमें हल्का सा जाएगा। बस ये हो गया, नमक तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। ओके, इसलिए नमक इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, इसको मिला लेते हैं। खमीर अच्छी खासी उठ गई है इसमें। हाँ, अभी मेरा तेल गरम हो रहा है, देखिए थोड़ा सा डाल के देख रही हूँ। हाँ, गरम हो गया है, गरम हो गया है। तो हम लोग डालेंगे, हम थोड़ा स्टीम कर देते हैं मीट वाला, अब इसमें डाल रहे हैं। वाओ, फूल रहा है। देखिए इसको पलट रहे हैं। फूला है। अच्छी तरह से पकने में कितना समय लगता है? 3-4 मिनट लगेगा। अब उसको मैं निकालूंगी, ज़्यादा कुछ कुछ नहीं करना है, नहीं करके
बढ़िया, ओह टेस्ट बहुत बढ़िया है। Yummy. इसी तरह करके सारे बना लेना है। इसमें ज्यादा तेल नहीं लगता है बहनों, इसमें चावल डाला हुआ है ना, सूखता नहीं, सूखता नहीं। मेरे को तो बहुत जोर से भूख लग गया है। और इसको किस चीज के साथ खाया जाएगा? चना और आलू का सब्जी के साथ खाया। इधर आप लगता है बनाए हैं? हाँ, उधर चना आलू का सब्जी मैं बना दी हूँ, मटर को बना दी हूँ। वाह, मटर आलू का सब्जी। लेकिन ट्रेडिशनली इसको आलू लाल चना के साथ खाया जाता है। चलिए बहनों, देखिए झारखंड का मशहूर रेसिपी झुसका बन के तैयार हो गया है और अब हम लोग इसको खाने जा रहे हैं। हम लोग इसको खाने जा रहे हैं। आइए आप भी बनाइए, आप भी बनाइए और खाइए, बहुत टेस्टी बना है। चलिए, बहुत टेस्टी बना है।